तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं पहली बार इत्तेफाक से जब आ रहा था तो ये जो सेट करके रखता है दीपक या आसिम 9 बजे लाइव, तो मैंने यूं ही प्ले किया तो देखा करीब मतलब 8:55 से ही आप लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा क्योंकि टाइम 9 बजे का है तो आप लोग वेट ना क्या करें ऐसे। आज की कहानी वैसे मैं मतलब मेरी लिस्ट में भी नहीं थी कि आज सुनाऊं, इसका क्रेडिट मैं दीपक को जाता हूं। दोपहर को ये बता रहा था कि ऐसे ऐसे एक स्टोरी है तो वो आप सुनाएं। ये ऑपरेशन कहूटा, बल्कि इस स्टोरी को ऑपरेशन कहूटा कहना भी मतलब मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ये पूरी कहानी ही जो हमारी एक इकलौती सीक्रेट सर्विस जिसे कहें हम लोग, जो बाहरी मुल्कों में क्या होता है उसकी जो जासूसी करते हैं, मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW। अच्छा, रॉ के जो लोग काम करते हैं, ऑफिस दिल्ली में लोधी रोड पे ही है और मुझे जाने का मौका मिला है, लेकिन आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये मतलब एक खुफिया एजेंसी का ऑफिस। बाकी दुनिया के जितने तमाम ऑफिस होते हैं ये अलग होता है उससे। उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ किसी भी रूम में नेम प्लेट नहीं होता, किस कमरे में कौन बैठता है, सेक्रेटरी लेवल का है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का है, कोई वो अलग अलग पहचान है पर किसी का नेम प्लेट नहीं होता। दूसरा, इस एजेंसी के लोग एक दूसरे को कभी रॉ कह के बुलाते भी नहीं। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि RAW, वैसे अगर इंग्लिश में इसको हिंदी में करें तो रॉ मतलब कच्चा होता है, तो वो थोड़ा ठीक भी नहीं लगता बोलने में, तो जब भी वो बात करते हैं तो फिर वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ही बोलते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तब। तो ये जो कहानी है जो आज, चूँकि अभी माहौल चल रहा है इंडिया पाकिस्तान को लेकर, तमाम तनाव है, टेंशन है, तो उसमें ये बड़ी मतलब फिट बैठती है। 1962 और 65 दो जंग हो चुका था उस वक्त, हम चीन से भी लड़े, पाकिस्तान से भी लड़े, और इस जंग के दौरान हमें एक सबक मिला क्या, देश के अंदर की सारी चीज़ें और जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हम लोग उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो IB था जो भारत की सीमा के अंदर जासूसी करता है, पता करता है कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या सरकार के खिलाफ हो रहा है, क्या समाज के खिलाफ हो रहा है, तो वो तक था। लेकिन देश के बाहर कोई ऐसी जैसे CIA टाइप या मोसाद टाइप ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी जो देश के बाहर के दुश्मनों को ढूंढे, पकड़े, उनके बारे में पता लगाए, उनकी साजिशों को समझे। तो 65 और 62 के जंग के बाद ज़रूरत हुई कि हमें एक ऐसी एजेंसी चाहिए, एक ऐसी सीक्रेट सर्विस चाहिए, CIA की तर्ज पे, मोसाद की तर्ज पे, KGB की तर्ज पे। तो पहली बार इंदिरा गांधी ने इसको लेकर सोचना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी एक जासूस की टोली चाहिए जो हिंदुस्तान के बाहर जाकर काम करे और हमारे लिए कुछ बताए हमें। तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उसके बाद पहली बार ये एक नया जन्म होता है आइडिया, और इसको फिर फुल फ्लेज सीक्रेट सर्विस के तौर पे तो नहीं, लेकिन इसका नाम रखा जाता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW। 1968 में रॉ का जन्म हुआ था और तब जो इसके पहले डायरेक्टर बने थे वो मिस्टर KN राव थे। KN राव के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ही तब उनके अंदर कुदरती एक जासूसी की सलाहियत और वो उनका पूरा अपना जो एक पर्सनालिटी थी वो उसी बेहद कम बोलने वाले जो उन लोगों ने जो साथ में काम किया, बहुत सारे उनकी किताबें भी आई हैं, और काम के अपने माहिर, कैसे चीज़ें निकालनी हैं जासूसी की दुनिया में उसके भी वो बहुत माहिर। बल्कि उस ज़माने में एक ये भी था कि एक जो फ्रांस के सीक्रेट सर्विस के चीफ थे, और चूँकि रॉ जन्म हुआ था नया रॉ का, उनसे पूछा गया था कि वर्ल्ड के आप टॉप 5 जो सीक्रेट सर्विसेज हैं उनके हेड का अगर आप नाम लें तो उसमें से उन्होंने एक KN राव का नाम लिया था, तो उससे पता चलता। और इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, बड़ा भरोसा भी था। तो जब रॉ को बनाया गया 1968 में, तो इनका पहला जो टास्क दिया गया था वो सिर्फ दो था, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन। दोनों से हम जंग लड़ चुके थे और दोनों से हमारे रिश्ते ठीक नहीं थे, तो उनकी तैयारियां, उनकी बाकी चीज़ें, ये इस पे नज़र रखना और इस पे काम करना। तो ये पहली जो
जो रॉ का जन्म हुआ और जिस चीज़ के लिए हुआ वो ख़ास तौर पे दो देशों के ऊपर नज़र रखने के लिए था। फिर धीरे धीरे उसके बाद हमारे अपना नेटवर्क डेवलप होता रहा, रॉ ने अपना नेटवर्क बनाया इन दोनों देशों में, चीन में, पाकिस्तान में, और चलता रहा ये। इसी दौरान में 1974 में पोखरण में हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। जैसे ही ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और पूरी दुनिया में हंगामा मच गया, क्योंकि इस न्यूक्लियर टेस्ट को बहुत ही हमने सीक्रेसी के साथ किया था, क्योंकि दुनिया को पता चल जाता तो उससे पहले हमारे ऊपर प्रेशर आता, हम इसको कर नहीं पाते। और इस न्यूक्लियर टेस्ट की सीक्रेसी को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो इसी रॉ को दी गई थी। तो ये पहला एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें रॉ इस तरह से इन्वॉल्व हुआ और फिर रॉ ने इसमें पूरी इसकी सीक्रेसी को मेंटेन करने का काम किया और सक्सेसफुल रहा हमारा न्यूक्लियर टेस्ट, हम न्यूक्लियर कंट्री बन गए। लेकिन इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अचानक पाकिस्तान में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। पाकिस्तान को लगा कि इंडिया के पास अब एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो हमारे लिए ख़तरा है, तो अब हमें भी चाहिए। तो उसने अंधाधुन हथियार वत्यार ये सब करना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान चूँकि करीब 6 साल हो गए थे रॉ को पैदा हुए हुए, तो पाकिस्तान और चीन हमारे मेन टारगेट पे थे, तो रॉ ने अपना बड़ा अच्छा एक नेटवर्क तैयार कर लिया था पाकिस्तान के अंदर। हमारे जासूसों की एक अच्छी खासी पूरी टीम पाकिस्तान में थी और वहाँ अलग अलग जगहों से वो खबरें निकाल रही थी और दे रही थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, तभी अचानक पहली बार अपने जो रॉ के लोग थे पाकिस्तान में उनमें से एक अफवाह आती है। अभी भी मतलब ये कुछ था नहीं कि कोई प्रूफ सबूत कुछ नहीं, एक अफवाह ये आती है कि रावलपिंडी के करीब कहूटा एक इलाका है, कहूटा में कोई पाकिस्तान इंडिया की तरह न्यूक्लियर टेस्ट करने और परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा, और वो भी बहुत ही गोपनीय तरीके से, खुफिया तरीके से, और उसने ये पूरा प्लांट उसका बहुत ही जैसे हमने किया था पोखरण में वो वैसे ही है। अब ये सिर्फ अफवाहें थी, खबर कोई नहीं थी। रॉ के एजेंट से खबर हमारे यहाँ मिलती है, के एन राव उस वक्त रॉ के चीफ, वो इस पर और अमल करने के लिए कहते हैं, काम शुरू होता है। और ये भी पता चलता है कि वहाँ पर जो ये खान रिसर्च लेबोरेटरीज़ है उसके तहत, हालांकि वो दिखाने के लिए कुछ और था, लेकिन वहाँ पे ये सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है और पाकिस्तान बड़ी बेचैन है न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, एटम बम बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अच्छा, रॉ जो बनाया गया था तो रॉ का ये था कि सीधे रिपोर्ट वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को करेगा और डायरेक्ट वो इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी उनको रिपोर्ट किया जाता था। एक और चीज़ थी कि रॉ, चूँकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अनअकाउंटेड होते हैं, आप जासूसी करते हैं तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन खरीदनी भी पड़ती है, बेचनी भी पड़ती है, तो ख़रीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अब अगर आप रॉ का मतलब है कि बाहर के कंट्री में, तो आपको फॉरेन करेंसी में पैसे देने होंगे, तो वो देने का हक और ये पैसे और ये सारी चीज़ें वो भी सीधे प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट हक में था, अख्तियार में था, और किसी को ये राइट नहीं था। तो ये एक अफवाह उड़ती है कि पाकिस्तान कहूटा में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चोरी छुपे कर रहा है। ये अफवाह चलते चलते उसी दौरान में डॉक्टर ए क्यू खान, अब्दुल कादिर खान, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर के जनक या वहाँ के फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहे जाते हैं, वो प्योंगरी का विज़िट करते हैं, प्योंगरी नॉर्थ कोरिया में, जहाँ अभी किम जोंग उन है। तो ये 70s की बात है। तो जब वो प्योंगरी विज़िट करते हैं तो ये उस वक्त से ही था कि नॉर्थ कोरिया भी परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में ए क्यू खान का नॉर्थ कोरिया का दौरा ये दुनिया की आंखों में खटकने लगता है। अच्छा, पाकिस्तान जब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो अपना बना रहा था, चोरी छुपे जो कर रहा था, तो वो दूसरे तरीके से कि हम इसका इस्तेमाल कुछ और करेंगे, बम के लिए नहीं करेंगे, तो इसमें फ्रांस पाकिस्तान की मदद कर रहा था, चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, और उनकी मदद से ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे ही ए क्यू खान नॉर्थ कोरिया पहुँचते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उसके बाद फ्रांस जो है पाकिस्तान की मदद करना बंद कर देता है। अब पाकिस्तान को थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन चीन और बाकी जगहों की मदद से फिर वो अपने इस प्रोग्राम में लगा रहता है और वो अपना कोशिश करता है कि किसी तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाए। तो इसी बीच ये खबर आई
अफवाहें फैली, रॉ ने सबसे पहले दी। अब रॉ को कहा गया कि आप इसको कन्फर्म करो कि ये खबर सही है कि गलत है। अब वहाँ पर दो चीज़ें थी, एक कि पाकिस्तानी जो वहाँ पर ये खान रिसर्च लेबोरेटरीज़ थी या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर इस मिशन में शामिल थे उन तक रॉ अपनी घुसपैठ बनाए, जैसे होता है आर्मी में पाकिस्तान की, आपको बताया था रविंद्र कौशिक आर्मी तक में शामिल हो गए हमारे जासूस, तो ऐसी कई चीज़ों में आप घुसपैठ करते हैं, इवन ISI में हमारे लोग घुस जाते हैं, कई बार ऐसा हुआ। तो अब एक तो रास्ता ये था कि आप उसमें घुसपैठ कर लें, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो जो लोग शामिल हैं उसमें किसी तरीके से, बट उसमें लंबा वक्त लगता और टाइम था नहीं, क्योंकि खबर ये थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कभी भी कर सकता है और आपको वहाँ घुसपैठ करने के लिए कई साल लग जाते हैं। तो पहला रास्ता बेकार था, अब ये हुआ कि नहीं आप किसी तरह से कन्फर्म करो, तो ये कन्फर्म करते रहते हैं। इस दौरान में हिंदुस्तान में भी पॉलिटिकल थोड़ा उथल पुथल आ गया, 75 में इमरजेंसी लगा दी गई, इंदिरा गांधी के चुनाव को जीती थी उनको रद्द कर दिया गया, और इमरजेंसी के बाद फिर 77 में चुनाव होता है, इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार जाती हैं और पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार नई दिल्ली में आती है और जिसके हेड जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो मुरारजी देसाई बनते हैं। अब जब मुरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने तो मुरारजी देसाई के बारे में ये कि उनका जो पूरा अपना करियर था, एक उनकी जो पूरी एक हिस्ट्री थी उनकी राजनीतिक जीवन की, बड़ी साफ़ सुथरी, पारदर्शिता रखते थे, ट्रांसपेरेंट, और गांधी जी के विचार के बड़े समर्थक थे। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो जाहिर सी बात है उनके हाथ में सब कुछ था, तो फिर रॉ एजेंसी वाली भी चीज़ आई उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो बताया गया कि भाई रॉ है जो देश के बाहर देश के दुश्मनों को ढूंढती है, उनके लिए जासूसी करती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें किसी जो उनकी विचारधारा थी वो ये ऐसी ही थी कि किसी दूसरे देश में हमें दखल देने का कोई हक नहीं बनता है, ये है वो। और उन्होंने करीब 30-40% 30-40% रॉ का बजट काट दिया। जब उन्होंने रॉ का बजट 30-40% काट दिया तो इसके जो उस वक्त चीफ थे केन रॉ, वो इससे नाराज़ हो गए और उन्होंने रॉ के चीफ से इस्तीफा दे दिया। हाँ, तो उन्होंने इस्तीफा, मैं सॉरी शरद नाम पे कुछ कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या, हाँ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये इधर उधर पुधर चल रहा था मिस्टर काओ, तो इस्तीफा देने के बाद अब रॉ में नए चीफ आते हैं, सरकार बदल गई थी, रॉ को लेकर सोच बदल गई थी इस दौरान। लेकिन पाकिस्तान में हमारा नेटवर्क बहुत सॉलिड होता जा रहा था, जो 68 से लगातार जैसे ही ये जन्म हुआ था रॉ का, तो हमने चीन और पाकिस्तान में मेन फोकस किया था, तो उसकी वजह से हमारा वहाँ पे बेस अच्छा हो गया था और हमें खबरें भी मिल रही थी। लेकिन अब ये हुआ कि हाँ सॉरी मैं बार बार राव बोल रहा था, दिमाग में आता, वो RN काओ हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन ये कहा गया कि भैया पुख्ता सबूत लाओ कि पाकिस्तान वाकई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, बॉम्ब बना रहा है। अब हम घुसपैठ कर नहीं सकते थे, बाकी इन्हीं चीज़ों पे थे। तभी हमारे एजेंट ने, देखिए कहाँ कहाँ दिमाग लगता है, कहाँ से कैसे चीज़ें निकलती हैं, कहूटा में हमारे एजेंट जो रॉ के थे अपने, वो सब फैले हुए थे, पूरा यही था कि फोकस खबर निकालो किसी तरह से निकालो। रिसर्च लेबोरेटरी तक हमारी पहुंच नहीं थी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट तक हमारी पहुंच नहीं थी, और ज़्यादा हम लोग ओपनली कुछ करते तो रिस्क था पकड़े जाने का। तो अचानक चूंकि ये सब जो काम करते हैं जासूसी के, तो ये हर चीज़ के बारे में बहुत स्टडी करते हैं और उस स्टडी का बहुत फ़ायदा होता है। और इस मिशन में, ऑपरेशन में कैसे फ़ायदा हुआ ये देखिए कि इस लेबोरेटरी के बाद जो खान रिसर्च लेबोरेटरी थी, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जहाँ से चलता था, उसके बाहर एक सैलून नाई की दुकान थी। तो अचानक हमारे कुछ एजेंट ने उस नाई की दुकान में आना जाना शुरू किया, वक्त लगा, बट वहाँ जाके पता चला कि इस खान रिसर्च लेबोरेटरी के कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस सैलून में बाल कटवाने आते हैं। तो ये पहुँचने शुरू हुए, उसका दिन उन्होंने धीरे धीरे, जिसके बारे में भी पता चले कि इस रिसर्च लेबोरेटरी से आया है, वो जो नाई बाल काटता था ज़मीन पे, उसके कुछ बाल उठा लेते थे और रख लेते थे चोरी छुपे, दुकान वाले को भी पता ना चले।
कई कोशिश के बाद फिर पता चला कि उसमें एक कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी पहुंचा, उसके भी बाल का सैंपल उठाया। अब सैंपल उठा लिया, अब ये है कि अब सैंपल क्यों उठाया और उससे करेंगे क्या। सैंपल उठाने के बाद उन्होंने इसको भेजा अपने सारे सोर्सेज के थ्रू। वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो पाकिस्तान के खान रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर रहे थे न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग पे, उनके बाल हिंदुस्तान आए। उसके बाद यहाँ पे बाकायदा उस बालों को टेस्ट किया जाता है और पता चलता है उन बालों से कि उनके बालों के अंदर रेडिएशन की मात्रा पाई गई है। और रेडिएशन बहुत तभी ही पाई जाती है जहाँ पर आप उन चीज़ों के बीच में काम कर रहे हैं, तो वो रेडिएशन उनके बालों तक पहुँच गई थी। और उन बालों की जांच से पता चलता है कि इसमें रेडिएशन है, इसका मतलब है ये लोग जो काम कर रहे हैं वो वाकई न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, एटम बॉम्ब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और चूंकि ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे तो इसका मतलब है कि वो अफवाह नहीं, खबर सही है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, उसकी पूरी तैयारी कर रहा है। अब जैसे ही ये खबर पुख्ता हुई और रॉ के अपने लोगों ने रॉ के भेजा था, तो उस वक्त पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए हमारे रॉ के साथ जो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद है, हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। मोसाद भी हमारे साथ थी और मोसाद का ये था कि पाकिस्तान इस तरीके की चीज़ उसको करने से रोकना है, तो मोसाद की भी नज़र थी, हम जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था। तो जैसे इन बालों का टेस्ट हुआ जो काहुटा के एक नाई की दुकान से मंगाया गया था, जो कि उस सेंटर के अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट के बाल थे, उनके नमूने थे, और पता चला इसमें रेडिएशन है, इसका मतलब है वो न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम कर रहे हैं। तो ये जैसे पुख्ता होता है इस जांच के बाद, सीधा मोसाद का ये था कि काहुटा पे अटैक कर दिया जाए, मतलब उस सेंटर पे बॉम्ब गिराया जाए और उसको बर्बाद कर दिया जाए ताकि ये टेस्ट कर ही ना पाए। लेकिन इसराइल के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो बॉम्ब गिराने के लिए प्लेन लेके आता है तो उसको बाकायदा इराक के ऊपर से और बाकी उड़कर फिर यहाँ आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको रीफ्यूलिंग के लिए एक स्पेस चाहिए थी। तो वो हिंदुस्तान से कहता है रॉ के ज़रिए कि चूंकि एक तो गुजरात का बॉर्डर लगता है, वहाँ से नज़दीक था, आप हमें वहाँ का अपना एयर स्पेस दे दीजिए, रीफ्यूलिंग के लिए हम वहाँ से उड़ेंगे और जाकर नज़दीक में काहुटा में उस न्यूक्लियर साइट पर बॉम्ब गिराकर हम उसको तबाह करके निकल लेंगे। और ये काम मोसाद ने इराक में ऑलरेडी किया था, उनके एक न्यूक्लियर प्लांट की तैयारी चल रही थी, उसको बर्बाद कर दिया था बॉम्ब गिराकर। तो मोसाद इस बात पे था कि अब ये पुख्ता हो गया है कि काहुटा में पाकिस्तान एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है, तो उस प्लांट को, उस न्यूक्लियर प्लांट को बॉम्ब से उड़ाना चाहिए। लेकिन उनकी दिक्कत यही थी कि वो इतनी दूर से उड़कर आकर बॉम्ब गिरा कर नहीं जा सकते थे, हिंदुस्तान से मदद मांगी, हिंदुस्तान अब जाहिर सी बात है इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर को करना है। इसी बीच में एक और डेवलपमेंट होता है, उस खान रिसर्च लेबोरेटरी में काम करने वाला एक साइंटिस्ट अपने रॉ के एक एजेंट के जाल में फंस जाता है और वो उस पूरे प्लांट का ब्लूप्रिंट 10,000 अमेरिकी डॉलर में बेचने को तैयार हो जाता है। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि उसमें कहाँ क्या हो रहा, आपके पास एक एक जानकारी होती। अब जाहिर सी बात है 10,000 डॉलर देने थे, जैसा मैंने आपको बताया कि रॉ सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, और ये जो फॉरेन करेंसी में जो लेन देन इस तरह के जो होते हैं जिसका कोई लिखत पढ़त नहीं है, क्योंकि आप इस एक तरह से वो रिश्वत दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन खरीदने के लिए, तो वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही उसकी मंजूरी दे सकते हैं। तो रॉ के चीफ जाते हैं उस वक्त, मुरारजी देसाई थे प्राइम मिनिस्टर, और वो कहते हैं कि काहुटा में ऐसे ऐसे पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है, हमने उसका पुख्ता सबूत है हमारे पास, बालों के वो सैंपल का भी हवाला देते हैं, और कहते हैं कि वहाँ का एक ब्लूप्रिंट उसी सेंटर का, रिसर्च सेंटर का एक साइंटिस्ट हमारे अपने एजेंट को बेचने को तैयार है, 10,000 अमेरिकी डॉलर देना, आप इसको पास कर दीजिए। रकम इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन बात यहाँ पे पॉलिसी की आ गई। मुरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी, ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और हम इस मामले में क्यों पड़े, तो आप कोई इसमें पैसा नहीं देंगे और इन चीज़ों से आप हट जाइए। इसको लेके बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं कि ये फैसला गलत था, और सच में मुझे लगता है कि शायद गलत था, इसलिए कि पूरी ब्लूप्रिंट हमारे में हाथ में थी, सब कुछ था, जाहिर सी बात ऑपरेशन में ऐसे बहुत खर्च होते हैं, उसके बाद भी बहुत खर्च हुए, लेकिन खैर चलिए, ये था कि हम नहीं खरीदेंगे, कोई बात नहीं।
जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उधर इसराइल भी कह रहा था हम बॉम्ब गिराएंगे। ये बात अभी चल रही थी, हमने उस वक्त परमिशन नहीं दी। इस परमिशन के लिए भी फिर मुरारजी देसाई तक बात पहुंची, तो उनका ये था कि अगर ये पता चलेगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन से वहाँ काहुटा पे ये अटैक किया गया उनके न्यूक्लियर साइट पर, तो हो सकता है जंग हो जाए, और जंग अभी हाल में हो चुकी थी, तो वो परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी ठीक है कि चलो अभी ये कोशिश जारी है कि क्या कर सकते हैं, कैसे रोके पाकिस्तान को। लेकिन इसके बाद एक जो गलती होती है वो शायद दुनिया के इतिहास में किसी और प्राइम मिनिस्टर से ऐसी गलती इस तरह की नहीं हुई होगी। चूंकि $10,000 में ब्लूप्रिंट खरीदने की बात मुरारजी देसाई तक हो गई, काहुटा में न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे बम बनाने की तैयारी चल रही है, टेस्ट की तैयारी चल रही है, ये भी मुरारजी देसाई तक पहुँच गई थी, सब कुछ था। इस दौरान में पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका था और जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर ज़ियाउल हक वहाँ के शासक हुए थे। ज़ियाउल हक को वर्ल्ड के लीडर से अपनी एक मान्यता चाहिए थी कि हाँ भाई आप हमें मान्यता दे दो, ये नहीं है कि हम डिक्टेटर और ये, तो वो कुछ कुछ लोगों से बात किया करते थे। उनमें से एक मुरारजी देसाई थे और मुरारजी देसाई से फ़ोन पे वो अक्सर बातें किया करते थे। इस दौरान में ये काहुटा वाली चीज़ें आ गई, $10,000 की बात आ गई। कहते हैं कि एक दिन ज़ियाउल हक ने ऐसे ही फ़ोन किया, एक कटसी कॉल पर बात हो रही है, और फ़ोन पे बातचीत के दौरान अचानक मुरारजी देसाई जी ने ज़ियाउल हक से ये कहा कि देखिए हमें ये पता है कि आप न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, काहुटा में आपने चोरी छुपे न्यूक्लियर अपना सेंटर बना रखा है और हमारे पास इसकी पुख्ता जानकारी है, हमारे लोगों से जानकारी मिली है। अब यहीं पे एक गलती हो गई कि मुरारजी देसाई ने जनरल ज़ियाउल हक पर भरोसा कर लिया, जो आर्मी चीफ, उसके बाद उन्होंने तख्ता पलटा पाकिस्तान के, फिर वो डिक्टेटर बने। मुरारजी देसाई इधर ये बात बताते हैं, ये लीक करते हैं और ज़ियाउल हक के कान खड़े कि हम इतनी खामोशी से इतनी चोरी छुपे कर रहे हैं, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कैसे पता चल गया और पूरी डिटेल में। जाहिर सी बात है कि पहला शक ये होगा कि जासूस है। इसके बाद ज़ियाउल हक ने फौरन आनन फानन में अपनी पूरी ताकत लगा दी ये पता करने के लिए कि कौन कौन यहाँ पे इस तरह के जासूस हैं और वो इंडियन हैं। पूरे पाकिस्तान में इसके बाद एक एक कर हमारे रॉ के जो नेटवर्क तैयार हुआ था, जो उनके एजेंट थे, एजेंट के भी जो एजेंट थे, उनमें से ज़्यादातर लोगों को पकड़ा गया और उन्हें मार दिया गया। हमारा पूरा नेटवर्क जो 68 से तैयार हुआ था वो लगभग ख़त्म कर दिया गया। बात सिर्फ नेटवर्क के ख़त्म होने की नहीं, हमारे जो बहादुर रॉ के जो जासूस थे, जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे, जान जोखिम में डालकर जिन्होंने पहली बार वहाँ के न्यूक्लियर टेस्ट की खबर बताई थी, बाल के सैंपल जाकर नाई की दुकान से इकट्ठा किए जिससे साबित हुआ कि उस पर रेडिएशन है और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है, वो सब एक एक करके उनको चुना गया, ढूंढा गया ज़ियाउल हक के ऑर्डर पर, और हमारे रॉ के कई एजेंट जो है मौत के घाट उतार दिए गए और बाकी पूरा नेटवर्क ख़त्म कर दिया गया। हालांकि इसके बाद फिर पाकिस्तान का ये हुआ कि ये जो हमारे रॉ के लोग मारे गए, एजेंट मारे गए, ये मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा। न्यूक्लियर काहुटा के उस पर बमबारी भी नहीं कर पाया इसराइल या मोसाद भी, हम भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये हुआ कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम थोड़ा डिले हो गया। इनका जो प्लान था वो करीब ये था कि 82 में नहीं, पहला इनको टेस्ट करना था, जो खुद डॉक्टर जो AQ खान है वहाँ के, उन्होंने ये अपने बोला भी था हाल में, लेकिन उस डिले की वजह से ज़ियाउल हक ने उस वक्त इजाज़त नहीं दी। 84 में इनको करना था, लेकिन चूँकि एक तो ये सारी चीज़ें थी, ज़ियाउल हक को लगा था कि वो अभी तख्ता पलट कर आए हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो फिर अमेरिका और ये सारे चीज़ सारे लोग वो हो जाएंगे, तो टाल दिया गया। और 1998 में फिर तब कहीं जाकर, मतलब 14 साल के बाद, पाकिस्तान ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया जो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बना, लेकिन ये टेस्ट 1984 में ही हो जाता, तभी बन जाता हमसे, जो हमने 74 में किया था उसके ठीक 10 साल बाद, लेकिन 84 की जगह पे 98 में किया, 14 साल और लगे। सिर्फ इसकी वजह थी हमारी रॉ की जासूसी, हमारे लोगों की इस तरह से पूरा इन्वेस्टिगेशन, जो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया कि हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने
भरोसा करके ज़ियाउल हक को सिर्फ ये बता दिया था कि हमें आपके बारे में सब पता है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, और ज़ियाउल हक ने यह बदला लिया कि उसने चुन चुन कर हमारे रॉ के एजेंट को ढूंढा, मारा और पूरा नेटवर्क जो है हमारा ख़त्म कर दिया। ये है ऑपरेशन काउटा, और इसको हमेशा इसीलिए याद रखा जाता है कि एक प्राइम मिनिस्टर की ज़रा सी गलती की वजह से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। सर दीपक बताओ, सर गिरधारी चौहान जी कह रहे हैं कि इतनी सीक्रेट बातें आपने क्यों ओपन कर रहे हैं सर आप? गिरधारी जी, अब ये सीक्रेट नहीं रही, इसको ओपन सीक्रेट आप कह सकते हैं। इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको, जिसमें मुझे पता है सीक्रेसी और सीक्रेट कहाँ पे रखनी चाहिए, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में है। आप रॉ के दो तीन जो चीफ हुए उन्होंने इस पर बहुत लंबी चौड़ी बुक लिखी है। जनरल वी के सिंह जो अभी हमारे एक्सटर्नल स्टेट मिनिस्टर हैं, जिनके साथ मैं इराक में भी था, उन्होंने भी इस पर काफ़ी कुछ लिखा है। सर एक और सवाल है कि जो भी राजनेता होते हैं उनकी वजह से हमारी जवानों की जान जाती रहती है, तो ये हमारे नेता ऐसा क्यों करते हैं, इतनी राजनीति क्यों करते हैं हर जगह? नेताओं की वजह से जान जाती है, राजनीति ये सब चीज़ें तो पता नहीं मुझे, ये हमारे हिंदुस्तान में सब बच्चा बच्चा जानता उसकी बात नहीं है। लेकिन मुरारजी देसाई ने जो उस वक्त किया था वो, उसमें कई चीज़ ये भी थी कि वो गांधीवादी तब विचारधारा के थे और उनको लगा था कि ये रॉ हुआ दूसरे के देश में घुसकर ये क्या करना, ये गलत है, हम अपने देश में खुश हैं, वो अपने देश में खुश रहें। उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन हर कोई हमारे जैसा नहीं सोचता, ये भी हमें सोचना चाहिए, तो यहाँ पे गलती हुई। सर नितिन शर्मा जी का सवाल है, सर उस समय के रॉ की चीफ की क्या सोच रही होगी, क्योंकि स्टोरी सुनने का तो उन्हें बहुत ख़राब लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही जो बजट कम किया था, एक तो तब मिस्टर काओ ने इस्तीफ़ा दे दिया था, फिर उसके बाद एक दूसरे बने, और जब ये हुआ था मिस्टर संतूक थे जो रॉ के चीफ थे, उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की थी मुरारजी देसाई को। उन्होंने कहा था कि देखिए ये बात उनके मुल्क में दखल देने की नहीं है, ये बात यह है कि पाकिस्तान के पास अगर इस तरह की हथियार आते हैं तो हमारे लिए ख़तरा, हमारी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा, तो हमें अपने बचाव के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन मुरारजी देसाई उनकी बात को नहीं माना उन्होंने, और फिर नतीजा ये है कि अगर वो ना भी मानते और अगर ज़ियाउल हक को सिर्फ वो न बताते कि हमें सब पता है, तो शायद हमारा रॉ का नेटवर्क वहाँ टूटता नहीं और हमारे रॉ के एजेंट मारे नहीं जाते। सर निधि जी का सवाल है, क्या सर मोरारजी देसाई के बाद इस पर कोई एक्शन लिया गया था? नहीं, ऐसा इस पर कोई एक्शन नहीं और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। सर दीपू नायरा जी का सवाल है, इंटेलिजेंस एजेंट की गवर्नमेंट सुरक्षा क्यों नहीं देती है? देखिए दो तीन चीज़ें होती हैं इस पेशे में। एक, अगर आप बाहर में जब आप काम करते हैं किसी भी, हमारे यहाँ नहीं है, सीक्रेट सर्विस का बड़ा सिंपल सा फंडा है, रूल है। एक तो आप जब जैसे रॉ हो, CIA हो, KGB हो, मुसाद हो, ये जितनी भी एजेंसियाँ हैं ये सब अपने देश के अंदर, इनका कोई काम नहीं है, रॉ का हमारे देश के अंदर कोई काम, सब बाहर करते हैं। तो इनका एक बड़ा ये भी होता है कि आप अगर कभी पकड़े जाते हैं तो हम आपको ओन नहीं करेंगे। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें, देश का नाम, बदनामी, सुरक्षा, बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो ज़्यादातर कंट्री यही करते हैं कि वो अगर बहुत ही किसी, क्योंकि आप हर तरह की चीज़ों में फिर इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे हम बाकायदा, हमारी शर्तें होती हैं कि अगर कभी आप किसी मिशन के दौरान पकड़े जाते हो तो एक तो आप खुलासा कुछ नहीं करोगे, दूसरा फिर हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमारी आपकी एजेंसी से कोई आपका लेना देना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तभी आप ये सारी जोखिम भरे काम होते हैं। सर एक सवाल है कि सर जैसे रॉ के एजेंट पाकिस्तान में आर्मी में घुस गए थे, वैसे ISI वाले भारत में कहाँ कहाँ घुसे थे और जहाँ से वो पकड़े गए हैं? देखिए ये हमेशा चलता रहता है, कई बार हमारे ISI में भी हम लोगों ने घुसपैठ की, और ISI में घुसपैठ करके हमने कश्मीर में शुरुआत में बड़े उसके फ़ायदे उठाए थे, हमें उनका मॉड्यूल पहले पता चल जाता था। रॉ के कड़े कई अच्छे काम हैं, जैसे एक कहते हैं कि ये जो सिक्किम पहले हमारे साथ नहीं था आज़ादी के बाद, 1973 या 5 में सिक्किम हमारे साथ जो जुड़ा था, तो उसमें बहुत बड़ा रॉ का हाथ था, उन्होंने मतलब हिंदुस्तान के फेवर में वहाँ को लोगों के लिए माहौल बनाया था, और फिर रॉ इस पर 3 साल काम की, और उसके बाद तब भी वो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उसके बाद सिक्किम हमारा पार्ट बना। इसी तरह बांग्लादेश का जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान से अलग करके, और उस जंग में हम लोगों ने बांग्लादेश का साथ दिया था, तो उस बांग्लादेश के वॉर में भी रॉ का बहुत बड़ा रोल था, रॉ की ऐसी सी इन्फॉर्मेशन और इनपुट थी कि हमें बहुत काम आया। इसी तरीके से
और भी कई चीज़ों में कश्मीर में बहुत काम आया, हालांकि एक दो फेलियर भी कहते हैं, जैसे पंजाब में टेररिज्म जो शुरू हुआ उसको रॉ जो है आंकने में थोड़ा सा नाकाम रहा कि ये इतना बड़ा हो सकता है। बाद में वैसे ही 90s के बाद कश्मीर को लेकर भी रॉ थोड़ा सा नाकाम रहा कि ये इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो नाकामी भी है लेकिन कामयाबी ज़्यादा है। सर राहुल जी का सवाल है कि रॉ अभी PM को रिपोर्ट करती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है? देखिए अब भी रूल ये है कि जो रॉ का चीफ है वो सीधे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ही रिपोर्ट करेगा और किसी को। सर आज तक कोई ऐसा रॉ एजेंट है जिसने अपने देश के साथ गद्दारी की और कुछ पैसे मांगे अपने देश से? ऐसे भरे हुए हमारे हमारे जवान हैं जो देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पकड़े गए हैं जो बिक गए हैं, उनकी भी लिस्ट है। तो रॉ का इतिहास दोनों तरीके का रहा, एक अच्छा भी रहा और कहीं पर जगह पर नाकाम भी रहा, लेकिन हमारी जो कामयाबी का है वो कुछ ज़्यादा रहा। बट ये केस जिसमें मतलब इसको क्या कहे, मैं भी मतलब पूरी आपको कहानी सुना दिया लेकिन मैं भी सोचता हूँ तो थोड़ा अजीब सा लगता है। सर आकाश जी का सवाल है कि 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई तो उन्होंने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया इस पर? जब इंदिरा गांधी वापस यहाँ पे, अच्छा हुआ ये आपने सवाल पूछा कि जब इंदिरा गांधी वापस आई तो रॉ को फिर से वैसे ही मजबूत किया, जो उनके सारे बजट वजट थे वो सब बढ़ाया गया और रॉ को पूरा पावर दिया गया। एक्चुअली उस वक्त ये था कि हमें अगर अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान देना है तो हमें बाहर जो साजिश हो रही है हिंदुस्तान के खिलाफ वो जानना ज़रूरी है, और शायद उस वक्त की सरकार को इस बात का एहसास था। तो इसीलिए जब वापस सत्ता में आती है इंदिरा गांधी 3 साल के बाद, तो फिर रॉ वापस अपने उसी फॉर्म में आता है, और उसके बाद तभी ये एक था कि आपका उसके बाद जो सारी चीज़ें होती हैं देश के बाहर देश के अंदर जो हो रहा है उसको लेकर, तो एक से एक इनपुट आता है। और भारत और अमेरिका के एग्जाम जब पहला हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया उसका US के साथ हमारे रिश्ते ख़राब थे, कहते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते दोबारा ठीक कराने में भी रॉ का बहुत बड़ा रोल था और रॉ ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सर मोरारजी देसाई कौन से पार्टी से थे? ये जनता पार्टी की सरकार आई थी 77 में, और जब पहली और गैर कांग्रेसी सरकार थी 77 तक लगातार, उससे पहले लगातार कांग्रेस की सरकार थी, और ये मुरारजी देसाई जनता पार्टी की उस वक्त लहर आई, जनता पार्टी की तरफ से ये प्राइम मिनिस्टर बने। सर इस ऑपरेशन के अलावा रॉ और मसाड के ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन रहे हैं? देखिए रॉ और इसके बहुत सारे लंबी लिस्ट है, मोसाद की लंबी लिस्ट है, रॉ की लंबी लिस्ट है, कश्मीर में एक से एक है, कश्मीर में बल्कि आतंकवादी संगठन में घुसकर रॉ ने 2 फाड़ करवा दिए, उन्हीं के अंदर झगड़ा करवा दिया। इसी तरह से बाद में फिर पंजाब में रॉ ने कई काम किए, जो सिक्किम को भारत से जोड़ने का है उसमें भी रॉ के बड़े छोटे छोटे अच्छे अजीब से अलग अलग मतलब इंटरेस्टिंग बड़े इंसिडेंट्स हैं, वहाँ पे बड़ा काम किया। तो एक लंबी कहानी है, किसी और दिन आपको कुछ अच्छी इसमें से और निकाल कर लाता हूँ और आपको सुनाता हूँ। तो सर पोंटी चड्डा की कहानी और धनंजय चटर्जी की कहानी सुनना चाहते हैं बहुत लोग। धनंजय चटर्जी की कहानी मैं सुना चुका हूँ, हाँ कोलकाता की। अब पोंटी चड्ढा की मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, अभी 2 दिन से वैसे ही चल रहा था। पोंटी चड्ढा के भतीजे आशीष चड्ढा, वो बेंटले कार 4 करोड़ रुपए की चला रहा था, विनय मार्ग के पास एक ऑटो से टकरा गया जिसमें 3 तुर्कमेनिस्तान की महिलाएं बैठी हुई थी, एक की डेथ हो गई, 2 अभी एम्स के ट्रॉमा सेंटर में हैं, लेकिन कल उसको बेल मिल गई 2-2 लाख के 2 मुचलके पे और वो बाहर हो गया है। आशीष चड्ढा ये राजू चड्ढा का बेटा है जो पोंटी चड्ढा का भाई है, और अभी वेव पूरा जो ग्रुप है उसके चेयरमैन इसी के फादर है आशीष के। तो अभी उसके खैर बेल मिल गए बाहर आ गया, लेकिन पोंटी चड्ढा की कहानी क्या थी, कैसे 2 भाई एक दूसरे को उनकी जान ले ली, ये मैं आपको जल्दी सुनाऊंगा। सर लोग कई लोगों की डिमांड है कि आप दोनों की ऑपरेशन साथ में बताएं, रॉ और मोसाद की जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ हो कभी भी वो। चलिए मैं रॉ और मोसाद की जॉइंट ऑपरेशन को खंगालता हूँ और सर लालू के चारा घोटाला कई लोग लेकर आता हूँ, और चारा घोटाला भी, हाँ इसकी भी बड़े दिनों से फरमाइश है, चारा घोटाला असल में इतना बिखरा हुआ लेकिन मैं उसको समेट के लेकर आता हूँ आपके लिए और जल्दी सुनाता हूँ। और आज इतना ही, फिर कल शनिवार है, कल आपको रिकॉर्डेड कहानी उम्मीद है मिलेगी, मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी, कहानियों का नया सिलसिला जो है वो अब शुरू वापस करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, थैंक यू वेरी मच।